रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है, जस्ट एक बार मुझे कंफर्म करना है। हुआ है ना? यस सर, ओके ओके। अच्छा, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा तो फिर क्या बात करेंगे आज आपसे? सर, बिजनेस एंड प्रोफेशंस के अंदर बात चल रहा था इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, और उसमें बात चल रहा है बिजनेस एंड प्रोफेशंस, या फिर आप ऐसे बोलो PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो भी नाम से पुकारो बात तो वही है। क्वेश्चन ये है सर कि ये जो टोटल बिजनेस एंड प्रोफेशन का सेक्शन है, मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, थोड़ा लंबा डिस्कशन है, क्योंकि डिस्कशन इसलिए लंबा है क्योंकि सेक्शंस काफ़ी ज़्यादा है, और हर एक सेक्शंस का कुछ ना कुछ खासियत है सर, हर एक सेक्शन का। मतलब बिजनेस के अंदर जैसे सेक्शन 28 से चालू हो रहा है और ऑलमोस्ट 44 तक इसका जो लेंथ एंड ब्रेड है, जिस तरह से ये फैला हुआ है, हर एक सेक्शन में कुछ ना कुछ खास बात ये करके जाता है, और बिजनेस के लिए कुछ सुविधाएं कुछ असुविधाएं पैदा करके जाता है ना सर? कुछ सुविधा भी देता है, कुछ असुविधा भी तो देता है। क्या रे, इतना तो समझ गए होंगे आप लोग, ये यस इनकम सर, टैक्स है काम। सुविधा मतलब ऐसा जब जब सुविधा का क्या मतलब है, मतलब व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट कुछ ऐसा जैसे मानो जिसमें बिजनेस को बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप खर्चा डिडक्ट कर सकते हो, आप बेनिफिट ले सकते हो, इस प्रीवियस ईयर में ले सकते हो, अगले 4 साल तक उसको धीरे धीरे राइट ऑफ कर सकते हो, तो ये बिजनेस के लिए फायदा है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेक्शंस है जहां पर आपको डिडक्शंस करने नहीं देता। आपके लिए खर्चा है, आपके लिए खर्चा लगता है, ठीक है? मतलब बिजनेसमैन की तरफ से सोचो, बिजनेस की तरफ से सोचो तो बिजनेस के लिए खर्चा लगता है, पर फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उसको पीएल में डेबिट नहीं करने देगा। पीएल में डेबिट मतलब डिडक्ट नहीं करने देगा, मतलब आप उसको एक्सपेंस के तौर पर नहीं दिखा सकते। ऐसे लास्ट वीक हम लोग सेक्शन 37 का एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया था, फिर हम लोगों ने सेक्शन 40 के अंदर आ गए थे, और सेक्शन 40 में काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में डिस्कशंस किया था, आई होप आप सबको याद है। तो आज भी सेक्शन 40 रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग एरिया है जिसमें बात करना है। स्पेशली आज मैं आपसे बात करूंगा सर पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप बिजनेस भी तो एक बिजनेस है, क्या रे? पार्टनरशिप बिजनेस भी तो एक बिजनेस है, क्या बोलते हो आप लोग, बोलो, यस सर, है ना? तो ये जो पार्टनरशिप मॉडल ऑफ बिजनेस है, इसमें पार्टनर्स को पार्टनरशिप क्या करते हैं, रेमुनरेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना? पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स को पार्टनरशिप बिजनेस रेमुनरेशन प्रोवाइड करता है। अब इस केस में भी ना, मतलब क्या पार्टनर्स को जो रेमुनरेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या हम इसको एक्सपेंस माने मतलब पार्टनरशिप बिजनेस के तरफ से? इसके लिए इनकम टैक्स ने क्या बोला, ये आज हमसे पता करना है सर, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोविजंस को अच्छे से देखना है। सेक्शन 40 का एक काफी इंपॉर्टेंट एक एरिया है, ठीक है? तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको थोड़ा सेक्शंस का एक बार फिर से जर्नी करा देता हूँ कि क्या क्या सेक्शंस आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे या जान गए होंगे, और क्या क्या सेक्शंस पे अभी बातचीत बाकी है, ठीक है? तो दोनों का एक पहले थोड़ा रिविजन्स कर लेते हैं, और उसके बाद फिर पर्टिकुलर सेक्शंस के ऊपर हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस चालू करेंगे, ठीक है? तो था, गुड मॉर्निंग दादा। मॉर्निंग सर। अच्छा, हम लोग आ गए सर समरी नोट पे, ठीक है? तो समरी नोट हमें क्या बताता है सर? समरी नोट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हम सबके लिए क्योंकि समरी वाइज हम फटाफट क्या कर सकते हैं, फटाफट रिवाइज कर सकते हैं कि भाई हाँ, ये पॉइंट पढ़ना है, ये पॉइंट हमें अभी सीखना बाकी है, ये चीज़ हमें समरी नोट्स बहुत हेल्प करता है। तो जिसमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये तो 145 का एरिया है, ठीक है? क्योंकि किस तरह से इसका पूरा अकाउंटिंग सिस्टम बीबी का बना हुआ है, दैट्स ओके। बट ये चालू हुआ था सर सेक्शन 28 से, एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग बीपी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से सेक्शन 28 हमें इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड के बारे में बात किया था। इसके बाद हम लोगों का जर्नी चालू हो गया था 28, 29, 30, हाँ सर, उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस के अंदर आ गए थे 32, याद है ना सबको? हाँ रे। फिर इस तरह से हम लोग 32 के अंदर आ गए थे, 32 मतलब डिप्रिसिएशन, हाँ। 31 के अंदर रिपेयर्स, इंश्योरेंस, मशीनरी, इस तरह का जो खर्चा वगैरह है बीपी में, उसके बारे में डिप्रिसिएशन के अंदर 32 बहुत मतलब डिटेल्स में चर्चा हुआ था। उसके अंदर ब्लॉक ऑफ एसेट्स, हाँ, अलग अलग एसेट्स का डिप्रिसिएशन रेट, आई होप सबको याद है, डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना,
रिटेन डाउन वैल्यू को कैलकुलेट करना, ये सब हुआ था। अगर किसी का बाई चांस मिस है, मस्ट गो थ्रू सर, फिर से क्लास करो, क्लास लेके फिर से उसको रिवाइज कर लो। अच्छा, फिर आ गया था सर एक वेरी इंटरेस्टिंग डिप्रिसिएशन के थोड़ी एक्सटेंडेड पार्ट, डिप्रिसिएशन का एक्सटेंडेड पार्ट, जिसमें बात है सर एडिशनल डिप्रिसिएशन की। किसका बात है सर? एडिशनल डिप्रिसिएशन का। को भी क्या रेट था सर? 20% के आसपास में एक रेट था, ठीक है, जो किसी किसी क्या बोलते हैं सर उसको, किसी किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, स्पेशली पावर जनरेटिंग यूनिट वगैरह के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था कि उसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज होने का भी एक प्रोविजन आया था। तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन था। फिर बहुत इंटरेस्टिंग और एक पॉइंट था सर, साइंटिफिक रिसर्च। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या बिजनेस स्टार्ट के टाइम पे जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो वो साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 में बात करता है, ठीक है। फिर सेक्शन 35 का कुछ सब एरिया था, एक 35 सब सेक्शन 1, क्लॉज 1, क्लॉज 4, क्लॉज सब सेक्शन 2, ठीक है, जिसमें आपको इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च हो या फिर किसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट को, ठीक है, जो लोग रिसर्च में काम करते हैं, लाइक IITs वगैरह, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट टाइप में, जो लोग रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकसफुल होते हैं, ऐसे नोटिफाइड जो इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट की तरफ से हैं, यहाँ पर अगर कोई पेमेंट करता है कोई बिजनेस, तो क्या उनको कोई बेनिफिट मिलता है? तो इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोगों ने इस पॉइंट में देखा था। फिर हम लोगों ने आ गए थे सर 35AD के अंदर। 35AD क्या है सर? सर 35AD एक इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स डिडक्शन है। क्या है सर? इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स डिडक्शन। ये इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स डिडक्शन कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया था, आप सबको याद होगा कि आपको कुछ स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोलता है कि भाई आप ये बिजनेस करो, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आप ये बिजनेस करो, आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा कुछ बिजनेस जिसका एक लंबा चार्ट था, जिसमें हम लोगों ने बात भी किया और कौन से डेट के बाद वो बिजनेस स्टार्ट करने से आपको वो बेनिफिट मिल सकता है, इसमें एक अच्छा खासा डिस्कशन था सर, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स डिडक्शंस। मतलब अगर आप इस तरह के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह, है ना, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज वगैरह, नेचुरल गैस क्रूड ऑयल का पाइपलाइन सेटअप करना, ऐसे बिल्डिंग बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, ठीक है, उसका भी अलग अलग चर्चा था सर, 2 स्टार से ज़्यादा बड़ा होटल बनाना, ठीक है, 3 स्टार आना, अब इस तरह का होटल बनाना, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है सर। तो ये बिजनेस को सुविधाएं मिल रहा था इसके अंदर 35AD के अंदर। तो इस तरह से हम लोगों ने 35AD में 100% डिडक्शंस का भी एरिया देखा कि क्या क्या बिजनेस में इन्वेस्ट करने से उसको 100% तक भी डिडक्शंस मिल सकता है। फिर आ गया था सर 35D, फिर आ गया था 35D। ये 35D हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात किया। हाँ सर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इन द सेंस सर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इन द सेंस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर आप कुछ खर्चा करते हो, तो मतलब जैसे के लिए जो बेसिकली बिजनेस तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है, जिसके बारे में मैं बोला था आप लोगों को, जैसे MOA का खर्चा, AOA का खर्चा, हाँ सर, लीगल चार्जेस, फीस वगैरह, अगर कोई चार्टर्ड का हेल्प लिया जा रहा है, कोई CS का हेल्प लिया जा रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट का हेल्प लिया जा रहा है, लॉयर्स का हेल्प लिया जा रहा है, उनका जो भी लीगल फीस वगैरह है, अगर स्टॉक मार्केट में आ रहा है उसका ब्रोकरेज है, कमीशंस है, अंडरराइटर्स वगैरह है, तो इस तरह का IPO आ रहा है तो प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा कर रहा है, तो ऐसे डिफरेंट प्रिलिमिनरी खर्चा बिजनेस को करना पड़ता है। इसका भी कौन सा अमाउंट, कितना अमाउंट क्वालिफाई करता है एक्सपेंस के तौर पे आप बिजनेस में शो कर सकते हो, कैसे शो कर सकते हो, ये आपको 35D ने बताया था। अरे याद आ रहा है कि नहीं? घर पे अगर बाई चांस पढ़ते नहीं हो, भूल जाओगे सर। Yes, हाँ, अगर घर में रिवाइज नहीं करोगे आप, ठीक है, रेगुलर इसके बारे में चर्चा नहीं करोगे, दिमाग के अंदर घूमेगा नहीं ना, तो भूल जाओगे। इसीलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ क्लास में आपको फिर से रिकॉल कराने का हर एक सेक्शन, लेकिन सर मैं तो एक आध बार रिकॉल करा दूंगा, बट अल्टीमेटली दिमाग में तो आपको ही रखना है, ठीक है। तो आपको क्या है ना, मतलब चलते फिरते घूमते फिरते टैक्स में खो जाना है। सर क्या बात करते हो, सिर्फ टैक्स पढ़ने से थोड़ी होगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं सर, सभी सब्जेक्ट्स में खो जाना है, सबके लिए टाइम अलॉट करो, साइंटिफिक वे में अपने दिमाग के अंदर है ना स्टोरेज क्रिएट करो, ठीक, जैसे आप लोग मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोरेज क्रिएट नहीं करते, हाँ, या फिर कंप्यूटर के अंदर जैसे ड्राइव क्रिएट नहीं करते, सबके अंदर किसी में ऑपरेटिंग सिस्टम रखा जाता है, किसी में फाइल्स रखा जाता है, ऐसा ही अपने मेमोरी जो है ना, नेचुरल मेमोरी भगवान का दिया हुआ, उसको भी ना हो सके तो एक साइंटिफिक मेथड है सर, अपने अंदर एक स्टोरेज सिस्टम बनाओ, ठीक है, भाई सोम से मंगल, मंडे ट्यूसडे हम इस तरह इसके लिए रखेंगे, बुध बृहस्पति इस तरह से मैं किसी और के लिए और सब्जेक्ट के लिए रखूंगा, तो इस तरह से साइंटिफिकली अपने दिमाग को बना सकते हो सर, ठीक है। ऐसे वो जो लोग भगवान का व्रत वगैरह रखता है ना,
हाँ, कोई बोलता है आज सोमवार है शिव जी का वार है, कोई मंगलवार मंगल चंडी का वार रखते हैं, बहुत सारे ऐसे करते हैं सर। जैसे कोई बृहस्पतिवार गुरुवार मानते हैं, हाँ फिर कोई रविवार है तो एतवार का एक कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट। रविवार सूरज भगवान का दिन है, तो इस तरह से जैसे हर एक भगवान का दिन मनाते हैं वैसे आप भी सब्जेक्ट्स का भी दिन बना सकते हो। हाँ क्या रे, कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता सर? क्या क्या बोलते रहते हो, पागल हो गए होंगे आप सर। 35 DDA, 35 DDA क्या है सर, याद है किसी को? 35 DDA बोलो सर। ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट से जुड़ा हुआ था। जैसे कोई वॉलेंटरी रिटायरमेंट कर रहा है ऑफिस में, तो एम्प्लॉयर अगर किसी भी एम्प्लॉय को वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए बोल रहा है, तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट के बाद उस इंसान को जितना अमाउंट खर्चा करना पड़ता है, तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट का एक्सपेंस को बिजनेस चाहे तो एक ही बार में एक्सपेंस दिखा सकते हैं, बट एक बार में नहीं दिखा सकता, उसको धीरे धीरे 4-5 साल में उसको राइट ऑफ करने का मौका मिलता है। तो ऐसा था 35 का एरिया, 35 DDA का एरिया, वॉलेंटरी रिटायरमेंट। फिर हम लोग पहुंच गए थे सर 36 में, ठीक है। 36 में भी हम लोग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन देखे, जैसे इंटरेस्ट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरो, बिजनेस को कैपिटल लोन लेना पड़ता है, ठीक है, कैपिटल बोरो करना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए, तो वो कैपिटल जो बोरो करता है बिजनेस, उसको किस तरह से उसका इंटरेस्ट और किस तरह से वो खर्चा में दिखा सकते हैं, अकाउंट्स में कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोविडेंट फंड में अगर वो कुछ पैसा जमा करते हैं एम्प्लॉय, ठीक है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स RPF, ठीक है। फिर हम लोगों ने 36 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 4A के अंदर भी हम लोगों ने कुछ पेंशन स्कीम वगैरह के अंदर भी देखा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 36 के अंदर भी ढेर सारा सेक्शंस देखा सर, जो 36 का अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। एक एक पॉइंट में बात किए सर, एक एक सेक्शंस में बात किए। आई होप कि आप सबको याद है, अगर याद ना भी है प्लीज वापस फिर से क्लास देख लो, ठीक है। और सर बार बार क्लास देखने से भी नहीं है, आपको खुद को दिमाग लगाना होगा, खुद को थोड़ा सा मेहनत करना होगा, तभी याद भी रहेगा और जरूरत में आप उसको रिकॉल कर सकते हो। अच्छा, 36 के बाद हम लोगों ने सर पहुंच गया था, 36 का लंबा डिस्कशन था सर। फिर हम लोग 37, जो लास्ट वीक मैंने जबरदस्त चर्चा किया था 37 के अंदर, उसमें एक 37 सबसेक्शन 1 का एरिया था, ठीक है, और एक 37 सबसेक्शन 2B का एरिया था, है ना। 37 सबसेक्शन 1, जैसे 37 सबसेक्शन 1 आपको ये चीज बताते हैं कि जैसे मतलब एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड, मतलब 36 जैसा एक्सपेंडिचर नहीं है, एक्सपेंडिचर है, शैल बी अलाउ कर सकता है आपको एक्सपेंस पे, एक्सपेंस के तौर पे, बट जो 30 से 36 के अंदर था उसको छोड़ के कोई और एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। 30 से 36 का जो सेक्शंस के बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, 30 से 36 का जो ओवरऑल एरिया था उसको छोड़ के कोई और सेक्शंस जिसके कारण आपको डिडक्शंस मिल सकता है पीएल में, ठीक है, डेबिट कर सकते हो आप खर्चे को, वो 37 बताते हैं। लास्ट वीक में जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एरिया था, ठीक है, तो वो अलग अलग कुछ एरिया था जिसके बारे में मैंने बात किया था लास्ट क्लास। तो 37 का एरिया ये था, ठीक है। 37.2 का भी एक जबरदस्त था, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन वगैरह करना, डोनेशन नहीं एग्जैक्टली, इट्स लाइक जैसे पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर पे, ब्रोचर पे पैम्पलेट वगैरह देना, ठीक है, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, तो क्या वो अलाउड कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये चर्चा था 37 सबसेक्शन 2 सर। उसके बाद हम लोगों ने 40 के अंदर आ गए थे सर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 40 में एंटर कर गए थे, और 40 के अंदर हम लोग बेसिकली TDS के बारे में लंबा चर्चा किए। हाँ सर याद है क्या आप लोगों को TDS का चर्चा, कि बिना बिना TDS का पेमेंट करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलता, हाँ 30% तक डिडक्शन भी मिल सकता है, हाँ उसका एक अलग चर्चा था। तो इस तरह से हम लोग 40 का भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन 40 पूरा नहीं हुआ था, 40 पूरा नहीं हुआ था, आज 40 को पूरा करना है। शुभश्री, दित्सा, अभिषेक, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, तो सर इतना देर से मैं एक्चुअली प्रीवियस जितना सारा क्लासेस में हम लोग अलग अलग सेक्शंस के बारे में पढ़े थे, वो सारा सेक्शंस को एक बार जस्ट गो थ्रू कर रहे थे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं आज का फ्रेश टॉपिक, ठीक है। तो अच्छा ही है, आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगा जो लोग थोड़ा सा लेट हैं। तो पॉइंट क्या है सर, आज का डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ पार्टनरशिप फार्म और LLP के अंदर, ऐसे पार्टनरशिप या LLP के बारे में आप लोग जानते हो ना सर, लॉ में पढ़ा यस जाता है सर। सर,
limited liability partnership 2008. थैंक यू सर. 2008 में आया एक न्यू पार्टनरशिप लॉ, एक न्यू पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट जो 1932 वाला जो पार्टनरशिप है उसको रिप्लेस नहीं किया. ये बात आपको बता दूं, पुराना जो 1932 वाला पार्टनरशिप है उसको रिप्लेस नहीं किया गया. वो नॉर्मल पार्टनरशिप आज भी है, बट ये LLP 2008 जो है इसमें पार्टनरशिप के अंदर कंपनी जैसा फीचर्स डाल दिया गया. ठीक है, जो लोग कॉमर्शियल लॉ का क्लास करते हो उनको LLP एकदम डिटेल्स में पढ़ाया जाता है सर. ठीक है, तो ऐसे जिनका बाकी है वो आगे आगे पार्टनरशिप के अंदर LLP वगैरह सब पढ़ेगा. तो ये वहाँ पर LLP का पूरा क्रिटिकल एनालिसिस होता है कि भाई LLP क्या है, नहीं है, ठीक है, किस तरह से उसका कंपनी के जैसा भी फीचर्स है और पार्टनरशिप जैसे भी फीचर्स है. मतलब एक हाइब्रिड कॉन्सेप्ट इतना समझ सकते हो. 32 वाला जो पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट है, जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट है वो भी इसके अंदर है, और कंपनी उसको जो बेनिफिट मिलता है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन टाइप का, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी टाइप का, ठीक है, तो बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटी का जो बेनिफिट कंपनी को मिलता है वैसा बेनिफिट पार्टनरशिप को भी दिया जा रहा है. तो उसी को एक्चुअली LLP के अंदर लाया गया. तो अभी मैं LLP में ज्यादा तो बात नहीं कर सकता, बस इतना बोल सकता हूँ कंपनी का फीचर्स के अंदर जैसे लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट कंपनी को मिलता है वैसा ही कंपनी का फीचर्स और फार्म का फीचर्स को मर्ज करके एक न्यू मॉडल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस सोसाइटी के सामने रखा गया. बिकॉज इसमें पार्टनरशिप को भी ना एक कंपनी वाला फीलिंग आ गया है, बिजनेस के लिए उन्हें भी काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि भाई कंपनी बनाने का जरूरत नहीं है, हम पार्टनरशिप में ही कंपनी वाला फीलिंग ले सकते हैं. और इसमें क्या हो रहा है ना, बिजनेसमैन को बिजनेस करने का और ज़्यादा इच्छा बढ़ रहा है. ठीक है, और ज़्यादा इच्छा बढ़ रहा है. तो ये बिजनेस को ईजी करने के लिए इस तरह का लॉ में चेंज किया गया है. ठीक है, अभी मैं लॉ में नहीं जाऊंगा बिकॉज हमारा मेन डिस्कशन इज नॉट लॉ करेंटली, इट्स इनकम टैक्स. तो पार्टनरशिप फार्म और LLP के केस में इनकम टैक्स हमें क्या बताने वाला है. बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो एरिया है जो सेक्शन 40 सबसेक्शन बी के अंदर है सर, सेक्शन 40 सबसेक्शन बी. ठीक है, जिन लोगों का प्रीवियस लेक्चर्स मिस है प्लीज मेरे से एक बार वो सारा क्लास ले लीजिएगा. तो सेक्शन 40 सबसेक्शन बी जिसमें आपको क्या क्या चीज मिल जाता है, देखो मतलब इसमें आपको क्या सिखाते हैं, पार्टनर्स को जो रेमुनरेशन दिया जाता है ना, सैलरी दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, इस तरह का काफी सारा चीज हम लोग पार्टनर्स को देते हैं पार्टनरशिप फार्म के अंदर. ठीक है, तो ये जो पार्टनरशिप फार्म के अंदर पार्टनर्स को जो रेमुनरेशन सैलरी बोनस वगैरह मिलता है, क्या ये डिडक्शंस के तौर पर ले सकते हैं? हाँ सर, क्या ये डिडक्शंस के तौर पर ले सकते हैं? इसी को लेके बेसिकली ये टॉपिक डिस्कस करता है. ऐसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये सेक्शन 40 का जो एरिया हम लोगों ने चालू किया था ये एक्चुअली क्या है सर, ये सेक्शन 40 का जो एरिया है ना, ये एक्चुअली अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल को बताते हैं. किसको बताते हैं सर? अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल. पॉइंट बी नोटेड सर. हाँ, मतलब जो अमाउंट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप टू एक्सपेंस बोल के डेबिट नहीं कर सकते, या फिर आप ऐसे बोलो टू नेट प्रॉफिट का जो प्रॉफिट आता है ना, वो प्रॉफिट को कम करने में आपको ये हेल्प नहीं करता है. ठीक है, मतलब कोई भी बिजनेसमैन क्या चाहेगा, टैक्स ज्यादा देने के लिए इच्छा रखेगा कि कम देने की इच्छा रखेगा? इन कॉमन सेंस बिजनेसमैन का क्या इच्छा होगा सर? हाँ, टैक्स ज्यादा दे कि कम दे? कम दे सर. कम दे सर, मतलब आम तौर पे तो वही है. ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट भी हमें देखने को मिलता है. ठीक है, जहां पर ज्यादा टैक्स शो करके, मतलब वो भी मैनिपुलेट करके ज्यादा प्रॉफिट दिखा के, ज्यादा टैक्स दिखाने का मतलब दिखा के शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करने का भी चीजें देखा गया है. बट दैट्स अ वेरी अनकॉमन, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नहीं दिखता, बट इन जनरल सेंस लोग टैक्स बचाना ही चाहता है. ठीक है, इसलिए वो हमेशा क्या चाहेगा, किसी भी खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके टू एक्सपेंस दिखा के और अपना टू नेट प्रॉफिट जो है उसको डिक्रीज करने का मंसूबा रखता है हर एक कोई. लेकिन इनकम टैक्स वाले इस चीज को करने नहीं देगा आपको. आपका मंसूबा हो सकता है बट इनकम टैक्स का अपना रूल्स है, इसलिए आपको जो भी करना है एज पर इनकम टैक्स, एज पर BP के रूल्स के हिसाब से करना है. तो ये जो सेक्शन 40 का करेंट डिस्कशन चल रहा है ये अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल का डिस्कशन चल रहा है. ठीक है, सेक्शन 40 का एरिया है जिसमें कुछ 40 का डिस्कशन लास्ट वीक किए थे और कुछ डिस्कशंस अभी आज कर रहे हैं जिसमें पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा खेल है. ठीक है, तो बात क्या है सर, थोड़ा फटाफट सामरी में देखते हैं.
उसके बाद हम लोग डिटेल्स में भी जाएंगे, ठीक है? जैसे कि सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड पेड टू एनी पार्टनर हु इज नॉट ए वर्किंग पार्टनर, मतलब बात यह है कि अगर आप जो नॉन वर्किंग पार्टनर्स भी होते हैं ना, जो बिजनेस में पैसा लगाए हैं बट काम नहीं करते, वर्किंग नहीं है सर, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव की तरह, या फिर हाँ बोलो बोलो बोलो, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, हाँ काइंड ऑफ डोरमेंट पार्टनर, यस, ठीक है, पार्टनर्स तो है बट वर्किंग नहीं है, ठीक है, वर्किंग पार्टनर नहीं है। ऐसे किसी पार्टनर को अगर आप सैलरी पे करते हो, बोनस पे करते हो, कमीशन देते हो, रेमुनरेशन भी देते हो, जो भी नाम से पुकारो, ये नॉर्मली डिडक्शंस पे नहीं आता है, ठीक है, इसको बिजनेस आपको पीएल में डिडक्ट करने के लिए नहीं देता है, जो नॉन वर्किंग पार्टनर का पेमेंट है, ठीक है। आपका बिजनेस क्या है, ऑब्वियसली आपका पार्टनरशिप बिजनेस है, आप समझ रहे हो ना, लेकिन आपको ये एक्सपेंस तो दिख रहा है ना, सैलरी किसी को देना, बोनस देना, कमीशन देना, रेमुनरेशन पे करना, बिजनेस के लिए एक्सपेंस तो है, बट अगर आप नॉट वर्किंग पार्टनर को देते हो ना, तो उसको एक्सपेंस के तौर पे मान्यता नहीं मिलता है, ठीक है, या फिर डिडक्शंस नहीं मिलता है। तो यही कुछ चीजें आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। आगे देखते हैं सर, और क्या बातें यहाँ पर। सर 40 सबसेक्शन बी, ये क्लॉज 1 था, ठीक है। अच्छा, क्लॉज 2 के अंदर भी अगर आप देखते हो, पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू अ वर्किंग पार्टनर, अच्छा अब बात कर रहे हैं सर, पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू अ वर्किंग पार्टनर और इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर व्हिच इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड, आप बात समझ रहे हैं ना, पार्टनरशिप डीड आपको अथॉरिटी नहीं देता है, पार्टनरशिप डीड, अच्छा पार्टनरशिप का इंस्ट्रूमेंट क्या है, पार्टनरशिप डीड ना, क्या रहे पार्टनरशिप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक्चुअली देखो, अच्छा एक चीज, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट जरूरी है? नहीं, पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट 1932 पार्टनरशिप एक्ट हमें बताते हैं कि एग्रीमेंट जरूरी नहीं है, मतलब एग्रीमेंट तो होगा बट मतलब बेसिकली पॉइंट इज दैट कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से, मतलब बिना डीड का पार्टनरशिप चलाते हैं, तो क्या उसको पार्टनरशिप नहीं मानेंगे, मान सकते हैं, बिना डीड, हाँ मानेंगे, बिना डीड का भी पार्टनरशिप अगर होता है ना, विदाउट एनी डीड, वो भी पार्टनरशिप है, बट प्रॉब्लम तब हो जाता है जब आपको अथॉरिटी का बात आएगा, हक का बात आएगा, प्रूफ का बात आएगा, कोर्ट में कुछ पेश करना हो, तब आपके पास अगर डीड नहीं है तो आप किसी भी बात का प्रमाण नहीं दे सकते, ठीक है, इसीलिए आजकल हर चीज का डीड बन जाता है, हाँ हर चीज का एग्रीमेंट बन जाता है और एनफोर्सिबल बाय उसको लॉ करना पड़ता है। एनफोर्सिबल बाय लॉ मतलब बड़ा सिंपल बात है, जो लोग एग्जीक्यूटिव सीएस एग्जीक्यूटिव में जो लोग जुरिस्प्रूडेंस पढ़ते हो उनको अभी रिसेंटली सर स्टैम्प ड्यूटी सिखाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे टैक्स के अंदर भी एक स्टैम्प ड्यूटी का एरिया आएगा इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है, इसी टॉपिक के अंदर बिजनेस में अंदर स्टैम्प ड्यूटी आएगा सर, ठीक है, तो जो लोग स्टैम्प एक्ट पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, उनको तो स्टैम्प एक्ट का मजा आएगा ही, और साथ में ये इनकम टैक्स में भी आपको स्टैम्प का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा, मतलब मुझे याद आ गया कोइंसिडेंटली, इसलिए थोड़ा बता दिया, कैपिटल गेन, ठीक है, हाँ नहीं नहीं स्टैम्प ड्यूटी बीपी में है, कैपिटल गेन में भी आएगा और बीपी में भी आएगा, और स्टैम्प एक्ट अलग से सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में जुरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ के अंदर पढ़ना भी पड़ता है। अच्छा देखो, ठीक है छोड़ो सर छोड़ो, बात समझो, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू से या फिर पार्टनरशिप डीड के थ्रू से अगर कोई ऑथराइज नहीं है तो क्या बताता है सर, पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू ए वर्किंग पार्टनर और इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर विच इज नॉट ऑथराइज बाई द पार्टनरशिप डीड और इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, ठीक है, तो अगर टर्म्स के हिसाब से हैं या फिर पार्टनरशिप डीड ऑथराइज नहीं करता है, विच इज नॉट ऑथराइज बाय द पार्टनरशिप डीड और नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो भी हो, ठीक है, अगर ऐसा पेमेंट आप करते हो किसी भी पार्टनर्स को, ठीक है, वर्किंग पार्टनर्स को, तो उसे भी आपको डिडक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको डोंट वरी, अभी आपको उसका डिटेल्स भी बताऊंगा। अच्छा, पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू ए वर्किंग पार्टनर और इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर ऑथराइज्ड बाय एंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड बट रिलेट्स टू ए पीरियड फॉलोइंग प्रायर टू द डेट ऑफ सच पार्टनरशिप एंड इज नॉट ऑथराइज्ड बाय अर्लियर पार्टनरशिप डीड, मतलब बात को ध्यान से सुनिए सर, लॉ को समझिए, इस प्रोविजंस को, पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू ए वर्किंग पार्टनर, आप किसको पेमेंट कर रहे हो, वर्किंग पार्टनर को ही पेमेंट कर रहे हो, और इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर, इंटरेस्ट भी दे रहे हो, ऑथराइज्ड बाय And in accordance with the terms of the partnership deed, आपका जो partnership deed बना है, उसके हिसाब से ही कर रहे हो,
बट रिलेट्स टू ए पीरियड फॉलिंग प्रायर टू द डेट ऑफ सच पार्टनरशिप, मतलब करेंट ईयर का जो पार्टनरशिप है उसके हिसाब से नहीं, वो पुराना हिसाब है, प्रीवियस ईयर का है, मतलब आप 22-23 में कर रहे हो सकता है कि वो 21-22 का हिसाब है, मतलब डीड 21-22 का है, उसके हिसाब से आपका पेमेंट अभी चल रहा है एंड इज नॉट ऑथराइज बाय द अर्लियर पार्टनरशिप डीड। हो सकता है 22-23 में आपका रेमुनरेशन इंटरेस्ट अब ऑथराइज है बट 21-22 में नॉट ऑथराइज था, ठीक है, इसलिए बोल रहा है इट इज नॉट ऑथराइज बाय द अर्लियर पार्टनरशिप डीड, मतलब अर्लियर में ऑथराइज नहीं था लेकिन उसका पेमेंट आप 21-22 का पेमेंट आप 22-23 में कर रहे हो, लेकिन 22-23 करेंट प्रीवियस ईयर में, करेंट जो ईयर चल रहा है, करेंट फाइनेंशियल ईयर में वो ऑथराइज करता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन को, वो ऑथराइज करता है, बट हो सकता है कि जो पुराना प्रीवियस ईयर है, ठीक है, जो पुराने ईयर है इसमें शायद आपको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा था, वो इंटरेस्ट रेमुनरेशन के बारे में कुछ बता नहीं था, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, ठीक है। वेट सर, एग्जाम्पल करने से आपको क्लैरिटी होगा लेकिन फिलहाल आप प्रोविजंस को प्लीज समझते हुए चलो सर, ठीक है। अच्छा आगे कुछ बताते कि नहीं एक बार देख लेते हैं सर और क्या पॉइंट है इसके अंदर। अच्छा और एक बात है सर, सबसेक्शन 4 जो है 40 सबसेक्शन बी क्लॉज 4 जो है, क्लॉज 4 क्या बताते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर ऑथराइज्ड बाय एंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड and falling after the date of partnership deed to the extent of the excess of the amount calculated at 12% simple interest per annum, matlab interest ka bhi na ek limitation hai, 12% ke hisab se jo interest amount hai wo aap deduct kar sakte ho, theek hai, kaise batayenge sir abhi ruko, theek hai, 12% ka kya khel hai wo bhi main bataunga aap log। acha aur ek cheez ek bar yahan par dekh lo sir, payment of remunerations to a working partner which is authorized by and in accordance with the partnership deed to the extent the aggregate of such payment to working partners exceed the following limits, matlab working partner ka jo remunerations hai aap usko jo bhi remunerations provide karoge uske liye income tax department BP aapko kya batate hain, matlab kitna deductions aapko allow karta hai working partner ke liye, main pehle rule bataunga fir iska use jab karunga aapko samajh mein pura aa jayega। kehta hai sir pehla 3 lakh ka jo profit hai na, पहला 3 लाख का बुक प्रॉफिट, सर ये बुक प्रॉफिट क्या है सर ये भी बताते हैं रुको, लेकिन इतना समझ लो पीएल में जो प्रॉफिट आता है उसको बुक प्रॉफिट कहते हैं, बिजनेस में जो अकाउंट्स में जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया गया उसको बुक प्रॉफिट कहेगा, इन सिंपल, ठीक है। फर्स्ट 3 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ ए लॉस, अगर 3 लाख का प्रॉफिट है या फिर लॉस का केस है, बताते हैं कि 1.5 लाख और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट व्हिच एवर इज मोर, ठीक है, मतलब या तो 1.5 लाख या तो 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, उसमें से जो ज्यादा होगा वो अमाउंट आप डिडक्ट कर सकते हो और बैलेंस जो प्रॉफिट रहेगा उसके ऊपर आप 60% अमाउंट डिडक्शन ले सकते हो। कैसे, इसके लिए भी आपको एग्जांपल बताना पड़ेगा ना सर, ऐसे कैसे समझ में आएगा। अच्छा याद रखिए ये वाला एरिया, ठीक है, थोड़ा याद रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और एक केस है सर जो आपको एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि सर बुक प्रॉफिट के बारे में इनकम टैक्स क्या बता के रखा है। देखो बुक प्रॉफिट मीन्स द नेट प्रॉफिट as shown in the profit and loss account for the relevant previous year, मतलब अगर जैसे अभी अगर 22-23 अगर assessment year चल रहा है तो 21-22 is your previous year, ठीक है, इस तरह से relevant previous year computed in accordance with the provisions for computing income from profits and gains, the above amount should be increased by the remunerations paid, ठीक है, जो भी remunerations pay हो रहा है उससे थ्रू से increase भी हो सकता है और payable to all partners of the firm if the same has been deducted while computing net profit। अब इसका क्या खेल है ये भी समझाता हूँ आपको, ठीक है, ये जो second para का concept क्या है, अब ये सारा का सारा खेल आपको example के थ्रू से बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, because ये पूरा खेल आपको calculation करके ही समझना पड़ेगा। अच्छा एक second, अच्छा ये बीपी का नोट्स मैं शायद सभी को शेयर किया, अगर किसी को नहीं किया ना एक बार मुझे याद दिला देना सर, न्यू नोट्स है सर आप मुझे बता दीजिएगा मैं आपको शेयर कर लूंगा। अच्छा अभी हमें आपको बताना है एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा सर,
दिखाई दे रहा है क्या क्वेश्चन, एक बार देखो ना। सर ठीक है, क्या कहता है सर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। कहता है सर, ए फार्म हैज पेड 7,50,000 एज रेमुनरेशन टू इट्स पार्टनर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 इन अकॉर्डेंस विद इट्स पार्टनरशिप डीड। जो भी कर रहा है एज पर डीड कर रहा है, एंड इट हैज ए बुक प्रॉफिट ऑफ ₹10 लाख। व्हाट इज द रेमुनरेशन अलाउबल एज डिडक्शन। ठीक है, कितना रेमुनरेशन आपको पीएल में अलाउ करने देगा। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल है। अब इसके लिए हमें क्या यूज करना है सर, प्रोविजन यूज करना है, जो प्रोविजन अभी आप लोगों को मैंने बताया। ठीक है, चलो सर मेरे साथ साथ लिखो, मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करो। जिसको समझ में आ गया वो खुद से कर सकता है, मैं वेट करूंगा उसका आंसर के लिए, बट जिसको समझ में नहीं आया वो मेरे साथ साथ चल सकता है। इजी है सर, अभी समझ में आ जाएगा। देखो प्रोविजन तो बस पढ़ना पड़ता है, और उसका एक बार एप्लीकेशन हो जाए तो और मजा आ जाए। क्वेश्चन समझ में आया ना, एक पार्टनरशिप फार्म 7.5 लाख रेमुनरेशन दिया अपने पार्टनर्स को प्रीवियस ईयर 21-22 पे। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप डीड, उसका बुक प्रॉफिट है 10 लाख का। तो कहता है कि व्हाट इज द रेमुनरेशन अलाउबल एज डिडक्शंस, कितना रेमुनरेशन एक्चुअली एज पर इनकम टैक्स अलाउ हो रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है सर। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसका सेक्शन क्या है बोलो तो, ये पूरा जो खेल है इसका सेक्शन क्या होगा। अभी पढ़े ना, अभी हम लोगों ने सेक्शंस को डिस्कस किए। एक तो सेक्शन 40 सबसेक्शन बी, और क्लॉज हो जाएगा 5, प्लस क्लॉज फाइव 5। हाँ सर, वेरी गुड, क्लॉज 5। तो आप लोग ऐसे लिख दो, ठीक है, दी अलाउबल रेमुनरेशन, अलाउबल रेमुनरेशन कैलकुलेटेड एज पर द लिमिट्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 40 सबसेक्शन बी क्लॉज 5। ठीक है, वुड बी क्या हो सकता है सर। रूल्स तो कहता है पहला 3 लाख पे, क्या रूल्स क्या कहा, फर्स्ट तीन नाइन्टी लाख लैख पे फर्स्ट 90 लाख और 1.5 लाख में जो ज्यादा होगा, 90 लाख मार खाएगा। नहीं सॉरी सर, 90,000। 90% और 1.5 लाख में जो ज्यादा होगा। थैंक यू सर। ठीक है, एक पर्टिकुलर सर एक अमाउंट का कॉलम बनाना, ऑन फर्स्ट ₹3 लाख, फर्स्ट ₹3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट क्या है समझ गए ना सर, अकाउंट्स का यस प्रॉफिट सर, जो होता है। ठीक है, 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, पहला 3 लाख का जो बुक प्रॉफिट होगा उसके ऊपर क्या रूल बताता है, 3 लाख का 90% 90% और 1.5 लाख, 3 लाख का 90% और 1.5 लाख और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, उसमें से जो ज्यादा होगा। ठीक है, तो 3 लाख का 90% और 1.5 लाख कौन ज्यादा है। 90% सर, 2,70,000। ठीक है, हाँ सर, तो एक इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो 3 लाख से ज्यादा है, इसीलिए 3 लाख लिया जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका प्रॉफिट है 10 लाख का, है ना, इसका प्रॉफिट 10 लाख का है ना, बुक प्रॉफिट, तो 3 लाख तो आराम से ले सकते हैं। तो ऑन फर्स्ट ₹3 लाख, फर्स्ट ₹3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, 3 लाख का 90%, दैट इज 2,70,000 आ जाएगा, 1.5 लाख से ज्यादा भी है। ठीक है, और ऑन बैलेंस जो अमाउंट है, बैलेंस ऑफ रुपीज कितना होगा 4,20,000। सर, बैलेंस ऐसे ले लेंगे ना, 10 लाख टोटल है, टोटल प्रॉफिट 10 लाख है, उसमें से 3 लाख चला गया सात लाख तो 7 लाख, तो 7 लाख इंटू कितना कर लेंगे, 60%। थैंक सिक्सटी यू परसेंट सर, 7 लाख का 60%, ये रहा 60%। देखो प्रोविजन ही बता के रखा आपको, ऑन द बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट 60%, तो 7 लाख का 60% कितना हो जाएगा, 4,20,000। 4,20,000। ठीक है, तो 2,70,000, 4,20,000। ठीक है, सिक्स दोनों को लाख ऐड कर नाइनटी दो, कितना हो गया 6,90,000। ठीक है, तो ये 6,90,000 का क्या मतलब निकल रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं।
द एक्सेस अमाउंट, ये जो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ रुपीज 60,000 दैट इज, अच्छा आपने रेमुनरेशन कितना दिया था? 7,50,000, 7.5 लाख. नॉर्मल जज्बात क्या कहता है कि भाई मैंने 7.5 लाख का रेमुनरेशन दिया तो 7.5 लाख ही माइनस कर लूंगा ना, क्योंकि रेमुनरेशन दिया मैंने क्या रे. लेकिन पूरा का पूरा रेमुनरेशन माइनस करने का मौका नहीं मिलेगा आपको पीएल में. जो लोग स्टार्टिंग से बिजनेस रेमुनरेशंस का क्लास कर रहे हो या फिर अगर मिस भी किया स्टार्टिंग 2-3 लेक्चर्स देखे हो, वहां पर हम लोग जब प्रोफॉर्मा को कैलकुलेट कर रहे थे एकदम स्टार्टिंग में, तो उसमें पीएल को सॉल्व करना पड़ता है और पीएल सॉल्व करके आपको आपका नेट प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना पड़ता है. तो वो नेट प्रॉफिट रेक्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कौन सा एक्सपेंस आपको माइनस करने का मौका मिलता है और कौन सा एक्सपेंस को आप माइनस नहीं कर सकते. मतलब सिंपल बात है, एक्सपेंस अलाउड और डिसअलाउड, इनकम अलाउड और डिसअलाउड, इसी को लेके पूरा खेल है. ठीक है, इस पूरा चीज को लेके खेल है कि मतलब इनकम टैक्स हमें बेनिफिट दे रहा है कि नहीं, या दे रहा है तो कितना दे रहा है पूरा. तो इधर हो गया हमारा 7.5 लाख और यहाँ से आप माइनस कर दो 6,90,000 को. ठीक है, जो हमारा अभी आया. ठीक है, तो ये 7.5 लाख 6,90,000 चला गया तो कितना हो गया सर? 60,000. ये 60,000 हो गया. द एक्सेस अमाउंट ऑफ 60,000 जो आया ना सर, ये डिसअलाउड है, ये आप माइनस नहीं कर सकते, ये आप पीएल में माइनस नहीं कर सकते. विल बी डिसअलाउड एज पर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी क्लॉज 5. बात समझ में आया? ये सेक्शंस का खेल समझ में आया सर? ये बुक प्रॉफिट को लेके क्या करना है? हेलो, यस सर, सबको समझ में आया सर? बोलो, एनी डाउट तो पूछ लो. अरे सर मुझे ठीक है. तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था इस पूरा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि अगर आप वर्किंग पार्टनर हो तो आपको कितना तक मिलेगा. वर्किंग पार्टनर होने से पूरा का पूरा मिल जाएगा ऐसा भी नहीं है. ठीक है, वर्किंग पार्टनर होने से पूरा का पूरा मिलेगा ऐसा बात भी नहीं है. उसमें भी कुछ लिमिटेशंस लगा हुआ है, कुछ प्रोविजंस को अलग से आपको बोला गया है, आपको एज पर दी प्रोविजंस उसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो इसमें बुक प्रॉफिट का खेल एक बार मैं फिर से याद दिलाता हूँ. पहला 3 लाख का बुक प्रॉफिट में आपको 90% तक का मिलेगा बुक प्रॉफिट के ऊपर, या तो 1.5 लाख जो ज्यादा होगा अब उसको डिडक्शंस पे ले सकते हो, और बैलेंस अमाउंट पे 60% ले सकते हो. अगर कुछ भी एक्सेस अमाउंट होगा तो वो अलाउड नहीं होगा, जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में हम लोगों ने देख पाए. ठीक है, जिसमें ये 60,000 क्या हो गया, ये डिसअलाउड हो गया. मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप रेमुनरेशन वर्किंग पार्टनर का जो रेमुनरेशन है, ठीक है, पीएल अमाउंट में जो वर्किंग पार्टनर्स का रेमुनरेशन है, टू पार्टनर्स रेमुनरेशन बोल के ऐसे हम लोग देते हैं ना, टू पार्टनर रेमुनरेशन बोल के, तो ये पार्टनर रेमुनरेशन पे आप पूरा अमाउंट माइनस कर सकते हो, बट ये 60,000 नहीं कर सकते. मतलब सिंपल बात है, आपका अलाउड अमाउंट हो जाएगा 6,90,000. ठीक है, लेकिन जहां पर आपको क्या लग रहा था, जहां पर आपको लग रहा था कि 7 लाख 7.5 लाख होना चाहिए, है ना, आपको लग रहा था कि मैं रेमुनरेशन दिया 7.5 लाख का तो मैं 7.5 लाख ही माइनस कर दूंगा, बट 7.5 लाख नहीं सर, 7.5 लाख नहीं, एज पर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी क्लॉज 5 के तहत आपका कुछ अमाउंट बाद हो जाएगा, मतलब डिसअलाउड हो जाएगा, दैट इज 60,000. अब क्लियर है सर बात? फिर से रिवाइज बताया आपको, बोलो. इन द सेम फैशन, सिमिलर फैशन पे और एक क्वेश्चन है, चलो देखते हैं सेम फैशन में बट थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन के साथ. देखो सर, मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चंस करने के बाद इनकम टैक्स में आपको इजी फील होगा, है ना, सबके मन में ऐसा ही चल रहा है ना कि सर क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है. हाँ सर, बच्चा भी कर सकता है. एग्जैक्टली, मतलब छोटा बच्चा, 5 का बच्चा को भी बोलोगे ना, वो भी कर देगा. क्या है इसमें, 2,70,000 के साथ 4,20,000 ऐड हो गया और फिर वहां से 60,000 यहाँ से एक्सेस अमाउंट हो गया, इसमें बताने में क्या है. लेकिन इस पूरा खेल का एक्चुअल खेल कहाँ पर था? इनकम टैक्स में कैलकुलेशंस करने में कोई बहादुरी नहीं है. बहादुरी जो है वो प्रोविजंस को समझने में और प्रोविजंस को याद करके उसको अप्लाई करने में, इसी में बहादुरी है सर. ठीक है, बाकी आप हजारों क्यों लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लेकिन बिना समझ के बिना प्रोविजंस का प्रैक्टिस करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता.
कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप मतलब CA CA CMA सारा इंस्टीट्यूट का किताब छान मार लो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, इनकम टैक्स का जो उन लोगों का जो ड्राफ्टिंग है वो निकाल के कैलकुलेशन कर लो, बट अगर विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप अगर लाख साम्स भी कर लोगे ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं होगा, दिमाग से बाहर ही चला जाएगा, आप समझ रहे हैं ना सर। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कर लेना सर बाद में, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करना और जरूरत के हिसाब से अप्लाई करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना अच्छे से समझ पाओगे उतना बढ़िया है सर। इनकम टैक्स को नंबर ऑफ क्वेश्चन से नहीं, प्रोविजंस कितना समझ में आ रहा है इसी के थ्रू से समझना चाहिए। जस्ट इनकम टैक्स, सेम कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो अप्लाई इन केस ऑफ GST। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। राव एंड जैन, ओके, पार्टनरशिप फार्म है, नॉर्मली पार्टनरशिप फार्म का नाम ऐसे ही होते हैं। हाँ, एक एक कॉन्सेप्ट है सर, आप लोग शायद कोई कोई जानते होंगे मेरे हिसाब से, किसी किसी को मे भी नॉलेज ना हो सकता है। पार्टनरशिप फार्म का बिजनेस का आइडिया कैसे लगता है कि ये बिजनेस पार्टनरशिप है सर? अगर ये जैसे राव एंड ब्रदर्स, नहीं, एंड ब्रदर्स होने से वो HUF हो जाता है। राव एंड जैन, ठीक है, ये जो नाम बोला ये ऐसा नाम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है सर आर एंड जे एसोसिएट्स, लॉ फार्म चार्टर्ड फार्म ऐसे ही देखने में होता है सर, देखना ज्यादातर केस में, ठीक है, जो लॉ फार्म होता है, चार्टर्ड फार्म होता है, कॉस्ट फार्म होता है, उनका नाम ऐसे ही ज्यादातर लिखता है, आर जे एसोसिएट्स, राव एंड जैन एंड कंपनी ऐसे भी लिखते हैं सर कोई कोई, क्या बोलेंगे सर ऐसे, एम एंड पी कंपनी, ठीक है, ये कंपनी लिखने से वो कंपनी नहीं बन जाता, कॉमन सेंस लगाइएगा, कोई भी कंपनी के नाम के पीछे कंपनी वर्ड्स नहीं लिखा होता है, ठीक है, या तो PBT LTD लिखा होगा, या तो पब्लिक लिमिटेड लिखा होगा, या तो 1% कंपनी लिखा होगा, ठीक है, बट वो कंपनी नाम कभी नहीं लिखा होगा, मतलब इसे एम एंड पी कंपनी, कंपनी लिखा है मतलब हम साथ साथ है, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप, ठीक है, कंपनी मतलब पार्टनरशिप, ठीक है, मतलब नाम के पीछे ऐसे एम एंड पी कंपनी मतलब पार्टनरशिप, समझ रहे हैं सर? कहीं पर भी आम राह चलते सड़क पे दिख जाए, ठीक है, एंड कंपनी लिखा हुआ है मतलब वो कभी कंपनी नहीं है, हाँ ये बात का ध्यान रखिएगा सर, कंपनी मतलब हमेशा PBT LTD होगा, मतलब प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, या सिर्फ पब्लिक, इस तरह से पब्लिक एंड को, या फिर ऐसे लिखा रहेगा, OPC है तो OPC लिखा रहेगा, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, राव जैन पार्टनरशिप बिजनेस का क्या खेल है देखते हैं। दो पार्टनर है, रिपोर्ट से नेट प्रॉफिट ऑफ 7 लाख, इन्होंने बोला कि इनका प्रॉफिट हुआ है 7 लाख का, बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। अच्छा, नेट प्रॉफिट कर लिया लेकिन कुछ डिडक्शन अभी भी नहीं किया, जैसे कि सर सैलरी ऑफ 20,000 ईच पर मंथ पेबल टू टू वर्किंग पार्टनर्स, 20,000 करके पर मंथ का टू वर्किंग पार्टनर को, ठीक है, ईच पर मंथ, ईच मतलब दोनों को मिलता है 20,000 करके टू वर्किंग पार्टनर्स को ऑफ द फार्म एज ऑथराइज बाय द डीड ऑफ पार्टनरशिप, ये जो भी हो रहा है एज पर पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हो रहा है। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 32, ठीक है, 1.5 लाख का कंप्यूट करके रखा गया है, आपको अलग से करने का जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई बोल के रखा कंप्यूटेड ऑलरेडी। अच्छा, लेकिन इसको भी नेट प्रॉफिट में माइनस नहीं किया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 15% पर एनम एज पर द डीड ऑफ पार्टनरशिप, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट इज 5 लाख, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट इज 5 लाख। आपको बताया जा रहा है, कंप्यूट करके बताओ, बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन B, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेकंड में आपको पूछा जा रहा है अलाउएबल वर्किंग पार्टनर सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 एज पर सेक्शन 40B। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको इस पार्टनर्स के बिजनेस में आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, जो आपको सवाल किया गया है। तो अभी इसको सॉल्व करना है, अगेन 40 सबसेक्शन बी का जो ओवरऑल सेक्शन है वही सब सेक्शन को यूज करते हुए इस क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है, फिर एक बार गो थ्रू भी कर लेंगे प्रोविजंस को। ओके, चलो, ये समझ में आ रहे क्वेश्चन, बोलो ना। यस सर, सर सर, ठीक है, चलो थोड़ा सा मेरे साथ साथ ही चलो, कोई दिक्कत नहीं।
सबसे पहले तो इस पूरा खेल का एक्सप्लेनेशन जो है वो कुछ ऐसे लिखो सर, एज पर एक्सप्लेनेशन थ्री ऑफ थ्री टू सेक्शन 40 सबसेक्शन बी बुक प्रॉफिट शैल मीन द नेट प्रॉफिट. एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर computed in the manner laid down in chapter 4D as increased by the aggregate amount of remuneration paid or payable to the partners of the firm. If the same has been already deducted while computing net profit. ये चैप्टर 4D का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशंस के बारे में कहा गया है. मैं समझाता हूँ आपको. बट हमारा इस केस में, इन द प्रेजेंट केस, लिखिएगा, इन द प्रेजेंट केस द नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट दिया है ना, इज गिवन. Net profit is given is before deduction. मतलब जो खर्चा हमें माइनस करके दिखाना चाहिए था वो डिडक्शन करने से पहले दिया है, बिफोर डिडक्शन ऑफ, जैसे कि डिप्रिसिएशन, ठीक है, जैसे कि डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल of partners and salary to the working partners. ये सब चीज बिना डिडक्ट करके ही नेट प्रॉफिट बताया गया सर. देयरफॉर इसलिए हमें बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहिए. देयरफॉर बुक प्रॉफिट shall be as follows. तो फिर book profit कुछ इस तरह से calculate कर लेना चाहिए, ठीक है. तो चलो para change करके करो. तो मैं page change कर लेता हूँ सर. particulars दे देना एक, और एक rupees या amount का घर बना लेना सर. नेट प्रॉफिट जो बिफोर डिडक्शन आया था वो कितना था, क्वेश्चन देख लेते एक बार. नेट प्रॉफिट जो
सारा का सारा डिडक्शंस करने से पहले, मतलब ये सब डिडक्शंस करने का पहले का नेट प्रॉफिट 7 लाख ना? यस सर। तो अब लिख दो बिफोर डिडक्शंस डेप्रिसिएशन, बिफोर डिडक्ट डेप्रिसिएशन, मैं शॉर्ट में लिख दिया सैलरी इंटरेस्ट। थैंक यू सर। ये सब डिडक्ट करने से पहले मेरा प्रॉफिट आया है 7 लाख का। तो एक काम कर दो, अमाउंट का दो घर बना, मतलब दो कॉलम बना लो, एक इनर और एक आउटर, अच्छा रहेगा, सुविधा होगा थोड़ा सा। से एक कॉलम में भी हो सकता था, ठीक है कर लो। तो 7 लाख, तो 7 लाख का आपका प्रॉफिट है सर। यहाँ से डिडक्ट क्या करेंगे सर? डिडक्ट कर लेंगे डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, है ना? अच्छा, क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जरूरत है? नहीं सर, कंप्यूटेड दे रखा है। कंप्यूटेड दे रखा है, तो फिर सिंपल जो दिया है उसको पुट कर लेंगे। तो आपका डेप्रिसिएशन है 1.5 लाख का, ऑलरेडी गिवन है। और डेप्रिसिएशन का सेक्शन 32 हम लोग प्रीवियस क्लासेस में चर्चा करके आए हैं सर। अगर दिया ना भी होता, अगर क्वेश्चंस के अंदर डेप्रिसिएशन का डेटा गिवन होता तो आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते थे क्या रे? हाँ या ना? स्टैंडर्ड 15% लगा के प्लांट एकदम सर, ठीक है। और अगर एडिशनल भी होता तो 20% एडिशन करके, है ना? यस यस सर। इंटरेस्ट एट द रेट 12% मैक्सिमम। इंटरेस्ट का जो खेल मैं आपको शुरू में समझा रहा था, देखो प्रोविजंस आ गया, 12% मैक्सिमम ले सकते हो। ये देखो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर ऑथराइज्ड बाय एंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द partnership deed and falling after the date of partnership deed to the extent of the excess of the amount calculated 12% simple interest per annum, ठीक है? 12% simple interest per annum, compounding नहीं, simple interest। तो ये 12% की rate है यहाँ पर, ठीक है? लेकिन हमारा जो questions है, questions को देखो एक बार। Interest on capital at the rate 15% per annum as per the partnership deed, the amount of capital eligible for interest is 5 lakh, ऐसा बोल रहा है सर। मतलब कैपिटल 5 लाख है, 15% का इंटरेस्ट है कैपिटल का, लेकिन प्रोविजंस क्या बताते हैं हमें, 15% या 12%? 12% सर। अगर ये 15% से कम रहता, अगर 11% रहता तो 11% लेते ना, मैक्सिमम 12 लेते ना, मैक्सिमम 12 ऑब्वियसली, ठीक है? तो इंटरेस्ट एट द रेट 12% क्योंकि ये मैक्सिमम अलाउबल है, ठीक है? तब लिख भी लो साथ में जो शिवम ने पूछा, ब्रैकेट में लिख लो बींग the maximum allowable as per section 40 subsection b, कितना हो जाएगा? 5 लाख का 12% 60,000, तो हो जाता है 60,000। तो अच्छा, 7 लाख का प्रॉफिट था और इधर आपका इंटरेस्ट हो गया, अच्छा ये डेप्रिसिएशन हो गया 1.5 लाख का और इंटरेस्ट अमाउंट हो गया कितने का? 8,000 का, 2,10,000 टोटल, ठीक है 60,000 का। अच्छा सैलरी का मतलब बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन 2 मिनट बाद करते हैं। क्वेश्चंस के अंदर अगर हम देखें तो सैलरी जो है ये 20,000 का, इसको हम 2 मिनट बाद में आते हैं सर। बट जो बुक प्रॉफिट की बात है ना सर, ये तो सैलरी का जो मतलब इनको जो प्रॉफिट का जो सैलरी जो दिया जाएगा पार्टनर्स को, वो अभी इसके अंदर नहीं आएगा। बुक प्रॉफिट के क्या आता है सर, ये डिप्रिसिएशन लेस होना चाहिए था और ये इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये लेस हो जाना चाहिए था, ठीक है? तो ये जो अमाउंट आया ना, दिस इज एक्चुअली बुक प्रॉफिट, 7 लाख से 1.5 लाख और 60,000, क्योंकि प्रॉफिट से ही तो रेमुनरेशन दिया जाता है ना? मतलब जो आप पार्टनर्स को जो मिलेगा वो तो प्रॉफिट करने के बाद है ना, डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स को मिलता है। तो अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट को भी हम माइनस कर देंगे क्या यहाँ से, क्या लॉजिक क्या बताता है बोलो? अकाउंट्स पर अकाउंट्स पर लॉजिक है ना, पार्टनर्स का जो रेमुनरेशन है क्या इसको भी माइनस कर देंगे बुक प्रॉफिट के लिए? नहीं, पहले देखेंगे पूरा बच रहा है पैसा उनको देने के लिए कि नहीं। हाँ, तो बेसिकली यही है बुक प्रॉफिट, ठीक है? यही है बुक प्रॉफिट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बुक प्रॉफिट अपना हो गया 7 लाख और इधर 1.5 लाख और 60,000, 2,10,000। तो ये 2,10,000 को इधर आप कर दो तो कितना हो जाएगा? 4,90,000
4,90,000, ठीक है। तो दिस इज द बुक प्रॉफिट सर, ठीक है। बुक प्रॉफिट के बारे में अगर आप डिटेल्स में थोड़ा फिर से नोट्स को देखते हो, ये देखो, द नेट प्रॉफिट शोन इन द पीएल अकाउंट फॉर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग इनकम ऑन प्रॉफिट्स एंड गेन एक्सप्लेनेशन 3 इन सेक्शन 40 सबसेक्शन बी, द अमाउंट शुड बी इंक्रीज्ड बाय द रेमुनरेशंस पेड और पेएबल टू ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म इफ द सेम हैज बीन डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट। अगर डिडक्ट कर दिया तो उसी अमाउंट से फिर से एड बैक कर दो। अगर ये सैलरी लेस किया होता, जो सैलरी अमाउंट है वो अगर नेट प्रॉफिट बुक प्रॉफिट में लेस कर दिया होता तो उसी अमाउंट से हम उसको इंक्रीज कर देते बुक प्रॉफिट पाने के लिए। आप समझ रहे हो बात को? इंक्रीज्ड बाय द रेमुनरेशन पेड और पेबल टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इफ द सेम हैज बीन डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टाइम पे आप सैलरी को अगर लेस कर दिया होता तो पार्टनर्स का जो सैलरी अमाउंट है उसको एड करके ही बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमारे इस एग्जाम्पल में क्या सैलरी को माइनस किया था? क्या रे, हमारे इस एग्जाम्पल में सैलरी को माइनस किया था? नहीं ना, तो इसलिए हम लोग और इसको माइनस नहीं किया। समझ में आया सबको? बोलो, बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन दिमाग में घुस रहा है कि नहीं, बताओ सर। यस अच्छा, तो बुक प्रॉफिट तो समझ गए, लेकिन अभी बात है कि अलाउबल वर्किंग पार्टनर सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 एज पर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी, मतलब कितना पार्टनर्स का वर्किंग पार्टनर का सैलरी कितना हम अलाउ कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के हिसाब से एंड सेक्शन 40 सबसेक्शन बी के हिसाब से, इसका हिसाब देख लेना पड़ेगा सर। तो चलो देख लेते हैं पार्ट टू। सर सैलरी actually paid to working partners equals to 20,000, है ना, दो जन है और 12 months का है ना, 12 महीने के हिसाब से, तो पूरा साल भर का कितना हो जाएगा सर? 4,80,000। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40 सबसेक्शन बी क्लॉज 5, द सैलरी पेड टू द वर्किंग पार्टनर्स is allowed है sir, obviously allowed है, but subject to following limits, पूरा का पूरा allow कर देगा क्या? क्या rule है sir, बोलो क्या limit लगाएंगे? हाँ कौन था? कोई ऊपर रंग से रसल salary actually paid होता है। हाँ ना, लेकिन तो मैं जो पूछ रहा था सर, क्या लिमिट लग जाएगा जो भी सैलरी पेमेंट कर रहा है वर्किंग पार्टनर को, क्या पूरा का पूरा वैल्यूएशन आप माइनस कर सकते हो या फिर लिमिट लगा के? लिमिट लगा के सर। तो लिमिट क्या है ऑन द फर्स्ट 3 लाख बुक प्रॉफिट 90% फर्स्ट 3 लाख, वेरी गुड सर। फॉर द फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस, दोनों केस में भी होता है सर। लॉस के केस में भी रेम्यूनरेशन दे सकते हो, उसमें क्या है, लेकिन 3 लाख ऑन द फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस रूल क्या है? मैं रूल लिख रहा हूं यहां पर, रूल है कि 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट whichever is more या whichever is higher, और balance amount में जो है सर
मैं प्रोविजंस को फिर से एक बार लिख ही दिया ऑन दी बैलेंस बुक प्रॉफिट 60% ऑफ दी बैलेंस बुक प्रॉफिट. ठीक, तो ये तो रहा प्रोविजंस. तो अगर प्रोविजन समझ में आ गया हो, अच्छा इतना लिख लिए, इतना तक सबका हो गया? यस सर, यस सर. तो फिर हमें क्या करना है, ये 22-23 का क्या खेल रहेगा, यही लेस कैलकुलेट करना है. तो देयरफॉर द मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग पार्टनर्स सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है, रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर 21-22, इन दिस केस, हमारे इस केस में, इन दिस केस वुड बी, पर्टिकुलर्स बना लो, थोड़ा प्रेजेंटेशन बन जाएगा और एक अमाउंट का एक कॉलम बनाने से ही हो जाएगा सर, इजी है, नो इश्यू. तो बताए सर, आई थिंक बहुत लोग कैलकुलेट कर चुके हो. ऑन द फर्स्ट रुपीज 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट डेढ़ लाख और लिखो 90%, डेढ़ लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट 3 लाख, व्हिच एवर हायर. तो 2,70,000 ही होगा ना? यस सर. और ऑन द बैलेंस बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट 1,90,000. ओके, तो सर टोटल बुक प्रॉफिट कितना हुआ था? 4,90,000. यस सर. 4,90,000 से 3 लाख को हटा दो, 1,90,000 का 1,14,000, 1,14,000, 1,14,000, टोटल हो जाएगा सर 3,84,000. टोटल हो जाता है 3,84,000. दिस इज मैक्सिमम अलाउबल पार्टनर सैलरी. For the assessment year 22-23, as per provision section 40 subsection B clause 5. बस ये था खेल partners का. बोलो सर, समझ में आया? लिख लिए क्या? लिख भी लिए, समझ भी लिए होंगे? ओके, मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन आप फिर से देख लो, प्रोविजंस एक बार फिर से देख लो. कहाँ चला गया प्रोविजंस? ये रहा, ठीक है. तो क्या क्या हम लोग पढ़ लिए फटाफट देखो सर. इंटरेस्टिंग एरिया था पार्टनरशिप का 40 सबसेक्शन बी, जिसमें आप अगर सैलरी देते हो, बोनस देते हो, कमीशन देते हो, रेमुनरेशन देते हो, व्हाट एवर नेम कॉल्ड व्हिच हु इज नॉट अ वर्किंग पार्टनर, ये डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है. पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू अ वर्किंग पार्टनर और इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर व्हिच इज नॉट ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड के हिसाब से नहीं देते हो तो भी डिसअलाउड हो जाएगा, कोई माइनस करने का मौका नहीं मिलेगा. बट अगर आप वर्किंग पार्टनर को दे रहे हो
ठीक है, जो नॉन वर्किंग नहीं है सर ऑब्वियसली वर्किंग पार्टनर है, और इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर ऑथराइज्ड इन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड्स, ठीक है, और अगर वो किसी प्रीवियस ईयर का है तो उसे भी डिसअलाउड कर देगा अगर करंट ईयर के साथ मैच नहीं करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया था दैट इज ये इंटरेस्ट का खेल और ये बुक प्रॉफिट का खेल। आई होप कि आपको ये बुक प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सभी चीज समझ में आ गया होगा, सेक्शन 40 सब सेक्शन बी। हाँ सर, क्या रे आया कि नहीं आया बोलो। यस सर। सर आगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, तो ये तो पार्टनरशिप का एरिया था जो आपको मैं समरी नोट्स के हिसाब से भी आपने प्रोविजंस को पढ़ा, अगर आपको और ज़्यादा प्रोविजंस को रीड करना है, अगर और थोड़ा जानना है, तो आपके को जो मैं कंप्लीट नोट्स दिया उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा डिटेल्स में मतलब पढ़ने के लिए, अगर आप पढ़ना चाहते हो जैसे रेमुनरेशन टू नॉन वर्किंग पार्टनर, रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर नॉन ऑथराइज बाई द डीड, ठीक है, थोड़ा सा स्टोरी के हिसाब से बोला हुआ है, आप चाहो तो एक बार यहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अभी हम आपसे बात करेंगे सर, एक्सपीरियंस और पेमेंट नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सरकमस्टेंसेस, ठीक है, कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस के बारे में आपसे मैं थोड़ा बात करूंगा जो पेमेंट या डिडक्शन आपको डिडक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, डिडक्ट करने का मौका आपको नहीं मिलेगा, मतलब आप चाह के भी पीएल में डेबिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये बेसिकली 40A का एरिया, ठीक है सर, ये 40A का एरिया है, तो ये 40A सबसेक्शन 2, ठीक है, 40A सबसेक्शन 2, एक्सपेंस और पेमेंट्स नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सरकमस्टेंसेस, क्या कहता है इसके ऊपर हम लोग पहले क्वेश्चन जो किया था ना एकदम स्टार्टिंग में, जो कंप्लीट एक पीएल का क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी ऐसा प्रोविजन था, जैसे आपको याद होगा रिलेटिव को कोई प्रोडक्ट रिलेटिव से परचेस किया था या रिलेटिव को सेल कर दिया था ज्यादा दाम में या फिर कम दाम दिखा के, हाँ परचेस को कम दाम दिखा के ताकि प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट को कम कर पाए, याद है कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था, हाँ या तो सेल अमाउंट को ज्यादा शो करके या फिर प्रॉफिट अमाउंट को ज्यादा शो करके, सॉरी परचेस अमाउंट को ज्यादा शो करके ताकि एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, ठीक है, ताकि एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, और एक्सपेंस ज्यादा हो जाने से क्या है प्रॉफिट एंड लॉस में अगर एक्सपेंस किसी भी तरह से ज्यादा हो जाए ना तो नेट प्रॉफिट को हम डिक्रीज करा सकते हैं, यही मंसूबा होता है नॉर्मली, ठीक है। तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये करने नहीं देना चाहता, इसीलिए 40A सबसेक्शन 2 को भी बना दिया, बोलता है कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच अ पेमेंट इज मेड टू रिलेटेड पर्सन और एंटिटी, ठीक है, कोई रिलेटेड पर्सन या एंटिटी को आपने क्या कर दिया सर पेमेंट कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच अ पेमेंट इज मेड किसको रिलेटेड पर्सन को, रिलेटेड पर्सन मतलब मैं समझाता हूँ, या एंटिटी मतलब भाई कंपनी पार्टनर्स वगैरह ऐसा, टू द एक्सटेंट इट इज कंसिडर्ड एक्सेसिव और अनरीजनेबल बाई एसेसिंग ऑफिसर, मतलब जो इनकम टैक्स का जो AO होता है ना सर, जो एसेस करते हैं आपके इनकम को, ठीक है, जब आप जमा करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एसेस करता है, और अगर उनको कहीं पर भी आपके बारे में खबर लग जाता है और आप अगर आप गलत कर रहे हो, आपका इनकम बहुत ज्यादा है और अगर आप इनकम को कम करके दिखाना चाहते हो तो एसेसिंग ऑफिसर आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है, तो तब वो देखेगा आके, जरूरत पड़ने से आपको बुलाएगा, ठीक है, नोटिस भेजेगा, आपको ठीक करने के लिए बोलेगा, और बहुत मुश्किल होने से रेड भी कर देगा, छापामारी कर लेगा, तो जब बड़ा बड़ा केस होता है उसमें होता है ना सर, ठीक है, करोड़ों का घोटाला दिखने से इनकम टैक्स वाले करते हैं सर, ऐसे आप लोग न्यूज में भी देखते होंगे, टीवी में आजकल मूवीज भी बहुत सारा बन रहा है, तो इंडिविजुअल्स एसएससी, एसएससी कौन है इंडिविजुअल, रिलेटेड पर्सन कौन हो सकता है उसका सर, एनी रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, इंडिविजुअल मतलब हस्बैंड और वाइफ मतलब स्पाउस, ठीक है, उनका ब्रदर और सिस्टर, या फिर हस्बैंड और वाइफ ब्रदर्स और सिस्टर दोनों के तरफ से एनी लिनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब हस्बैंड के केस में उनके लिनियल में जो भी उनका कनेक्टेड में जो भी रिलेटिव्स है, ठीक है, मतलब माता पिता, उनका माता पिता, ठीक है, मतलब दादा दादी, मतलब ऊपर से नीचे से जिधर भी देखो एसेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स, वो सभी रिलेटिव के अकाउंट में आ जाता है सर, इन सिंपल, ठीक है। और फार्म का मतलब क्या है, फार्म मतलब एनी पार्टनर ऑफ द फार्म और रिलेटिव ऑफ सच पार्टनर, मतलब से फॉर एग्जाम्पल किसी फार्म में ABC तीनों पार्टनर है
तो एक और एक पार्टनर है और उसका रिलेटिव भी रिलेटिव रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो जाएगा, मतलब आपके पार्टनरशिप फार्म के अंदर ए का रिलेटिव, बी का रिलेटिव, सी का रिलेटिव, सब इनके थ्रू से किसी भी तरह का पेमेंट कर रहे हो और वो पेमेंट अगर असेसिंग ऑफिसर को अनरीजनेबल या एक्सेसिव लगता है, ठीक है, और पेमेंट अगर एक्सेसिव है, से फॉर एग्जांपल बड़ा सिंपल बात है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिलेटेड पार्टी को ऐसे एक्सपेंस दिखा दिया आपने या फिर ऐसे परचेस दिखा दिया आपने कि रिलेटेड पार्टी से परचेस किया बोल के आप उसको मैनिपुलेट कर लिए, 1 लाख का परचेस को 1.5 लाख दिखा दिए या 1.5 लाख का परचेस को 2 लाख दिखा दिए या 2 का चीज को 3 दिखा दिए, इसमें आपका क्या होता है, आपका परचेस या एक्सपेंस अमाउंट जितना ज्यादा हो जाएगा आपका पीएल क्या हो जाएगा, एक्सपेंस या परचेस अमाउंट ज्यादा हो जाने से आपका पीएल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, बिकॉज पीएल का कैरेक्टर क्या है, पीएल का कैरेक्टर है कि पीएल क्रेडिट साइड में इस तरह से इनकम को शो करता है और इस तरह से इधर एक्सपेंस को शो करता है और दोनों के बीच में इनकम जितना होगा एक्सपेंस जितना होगा इसके हिसाब से वो नेट प्रॉफिट बनाते हैं। अगर आप किसी भी तरह से एक्सपेंस को बढ़ाने से कामयाब हो जाते हो आपका नेट प्रॉफिट को आप घटा सकते हो और इनकम टैक्स वाले यही चीज आपको करने नहीं देता या करने के लिए रोकता है। तो आप जहां जाते देखो बिजनेसमैन भी अपना धंधा देखता है, वो भी सोचता है कि भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करके मैं इसको कम कर सकता हूं ताकि रिलेटेड पार्टी में क्या है ना आप उसको शो कर सकते हो कि मतलब आपको ऑथराइज्ड वे हो जाएगा कि भाई मैंने इनको सेल किया उनको सेल किया, लेकिन बाद में जब इसका जांच पड़ताल होगा ना तब इसका क्लैरिटी आ जाता है। तो इसलिए इनकम टैक्स आपको यहां पर पार्टनर्स के केस में बोला, HUF या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में एनी मेंबर ऑफ HUF या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, इनकम टैक्स के बेसिक क्लास के एकदम स्टार्टिंग में ही AOP BOI वगैरह के बारे में बोला जाता है, दे आर द पर्संस इन इनकम टैक्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब एक ऐसे एसोसिएशन जिसके अंदर इंडिविजुअल भी हो सकता है, जिसके अंदर पार्टनरशिप भी हो सकता है, जिसके अंदर HUF भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, ठीक है, कोई मंदिर मस्जिद ट्रस्ट भी जिसको हम लोग आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोलते हैं, लोकल अथॉरिटी बोलते हैं, कोई भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन मतलब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब वो सारे के सारे जिनको इनकम टैक्स पर्सन मानते हैं, जिनको टैक्स जिनसे टैक्स पाने के लिए इनकम टैक्स उनको पर्सन के नाम दे के रखा है, ये इनकम टैक्स का एकदम वेरी बेसिक्स पार्ट में आपको सिखाया जाता है सर। तो एनी मेंबर ऑफ द AOP और HUF और एनी रिलेटिव ऑफ सच मेंबर, मतलब HUF का रिलेटिव हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब जॉइंट जॉइंट हिंदू फैमिली सर, इसमें हिंदू सिख जैन, ठीक है, इस तरह का जो धार्मिक संप्रदाय के लोग हैं, धार्मिक संप्रदाय इसलिए मैं बोला बिकॉज ये हिंदू सिख जैन इनका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर चलता है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक है, उनका अपना थोड़ा पर्सनल लॉ जो है किसी किसी केस में फॉलो करने का मौका मिलता है, ठीक है, लेकिन हिंदू सिख जैन इनका जो रूल्स रेगुलेशन है ना वो बेसिकली इंडिया का ही प्राचीन नियम है, ठीक है, भारत का, इनका नियम थोड़ा प्राचीन के साथ कनेक्टेड नहीं है तो उनका पर्सनल रूल्स को रेस्पेक्ट दिया जाता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसी मुद्दे पे ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट भी बनाया गया, जिसमें मतलब बहुत बार कोई बोलता है सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब, सर मतलब वही हिंदू सिख जैन जो रिलीजियस बिलीफ में रखते हैं इनकम टैक्स वाले, ऐसे जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट को इसके अंदर रखा गया। इस्लाम का जो जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए मैं उस पॉइंट पे अभी नहीं जाऊंगा बिकॉज वो पर्सनल लॉ का पॉइंट आ जाता है, बट इतना समझ के चलो आप एनी मेंबर ऑफ AOP HUF और एनी रिलेटिव ऑफ सच हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर्स, इनका जो भी कनेक्शन में कोई भी मतलब ट्रांजैक्शंस होगा उससे भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में शामिल किया जाता है, मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को बेसिकली आपको अलाउ नहीं करेगा। कंपनी के केस में भी सेम टू सेम सर, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और एनी रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्ट कंपनी का डायरेक्टर और कंपनी का डायरेक्टर और डायरेक्टर का रिलेटिव, ठीक है, अगर इनके बीच में कनेक्शन होके ट्रांजैक्शन चल रहा है दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर दी बिजनेस, ठीक है, तो इसमें भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। एनी एसएससी जिसका इंडिविजुअल हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, किसी भी बिजनेस का किसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब अगर किसी का किसी बिजनेस पे 20% और मोर वोटिंग पावर आ जाता है ना, या फिर बेनिफिशियल एंटाइटलमेंट 20% ऑफ द प्रॉफिट हो जाता है ऐसे लोगों को, से फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं, से फॉर एग्जाम्पल शिवम, ठीक है, शिवम एंड संपद, ठीक है, मानो कि संपद का एक बिजनेस है जिसमें
शिवम का 20% से भी ज्यादा वोटिंग पावर है, ठीक है, मतलब पैसा देके रखा है कहीं ना कहीं, इन्वेस्ट करके रखा है, या फिर ऐसे मानो कि टोटल प्रॉफिट का 20% प्रॉफिट शिवम होल्ड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर शिवम का संपद के बिजनेस में इतना इंटरेस्ट है, इसको इस तरह का इंटरेस्ट को बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है, तो ऐसे लोगों के बीच में भी अगर ट्रांजैक्शन चल रहा है ना, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, समझ में आ रहा है सर? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को कितना डिटेल्स में अलग अलग केसेस में आपके सामने रखा गया, अरे क्लियर हो रहा है ना? ये 40A सबसेक्शन 2 क्या रे, बोलो। यस सर। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में क्या बता रहा है सर, एक्सेस पेमेंट अगर होगा जो अनरीजनेबल लगेगा, से फॉर एग्जांपल उसका ओरिजिनल होना चाहिए 10,000 लेकिन आप दिखा रहे हो 15,000, तो ये जो एक्स्ट्रा 5,000 हमने दिखाया ना, ये आपको माइनस करने का होगा, नहीं मिलेगा सर, ठीक है। तो ये बात है, तो एक्सपेंस आर पेमेंट नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, ये पीएल में अलाउड नहीं करेगा। एक्सेस अमाउंट आप रिलेटेड पार्टी के नाम पे खर्चा दिखा के आप माइनस नहीं कर सकते, तो ये 40A सबसेक्शन 2 का खेल याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं सर 40A सबसेक्शन 3। सर ये 40A सबसेक्शन 3 क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से सुन लो फटाफट। सर कहता है एनी एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच अ पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स, अ पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स मेड टू अ पर्सन इन अ सिंगल डे, अब किसी को एक सिंगल दिनों में पेमेंट कर रहे हो एक पर्टिकुलर डे में, अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अच्छा चेक के थ्रू से नहीं कर रहे हाँ, अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट जानते हो ना आप लोग, हाँ बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं सर उसको, मतलब बैंक में जाना पड़ता है, ड्राफ्ट उनके अकाउंट में जमा करना पड़ता है और ड्राफ्ट को जो है, ठीक है, वो आपके पास एक चेक की तरह होता है, बट वो चेक नहीं एक्चुअली, बिकॉज उसका पेमेंट ऑलरेडी जमा हो जाता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बैंक ड्राफ्ट। आई होप आप लोग बैंक ड्राफ्ट काटे होंगे बैंक में, हमारे जमाने में तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ करता था ये इंस्टीट्यूट वगैरह का, हम लोगों को तो सर बैंक ड्राफ्ट ही जमा करना पड़ता था, आजकल जरूरी नहीं है सब ऑनलाइन, मजा आ गया सीरियसली, ऑनलाइन में मेरे को बड़ा मजा आता है, कितना आसान हो गया सब चीज। अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट और ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है, थ्रू बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड एक्सिप्स ₹10,000, मतलब ये सब इलेक्ट्रॉनिक मोड या जिसका प्रूफ है, ठीक है, इसको छोड़ के अगर आप बेसिकली कैश वगैरह में पेमेंट करते हो, 10,000 से ज्यादा पेमेंट करते हो, तो वो अगर ज्यादा पेमेंट करोगे ना, वो अमाउंट आपको माइनस करने का मौका नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ पेमेंट्स मेड टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, ध्यान से सुनिएगा, अगर यही 10,000 का पेमेंट आप कैश का करते हो, मतलब ज्यादा करते हो 10,000 से ज्यादा मतलब कैश पेमेंट करते हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड को छोड़ के, ठीक है, तो आपको डिडक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही पेमेंट आप किसी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को करते हो, पॉइंट टू बी नोटेड सर, यही पेमेंट अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर का करते हो जो बेसिकली प्लाइंग हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मतलब बेसिकली बोल सकते हो मेरे घर में फैमिली बिजनेस है, पापा चाचा का उनका ट्रांसपोर्ट का ही बिजनेस है, इनको अगर आप कोई पेमेंट किया जा रहा है ना, इन केस ऑफ पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर फॉर प्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स कैरेज एंड एनहांस लिमिट ऑफ ₹35,000 शैल अप्लाई, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के केस में क्या है ना, उनको गाड़ी लेके रस्ते में निकलना पड़ता है, 10,000 से उनका कुछ नहीं होगा, तो अगर आप उनको पेमेंट कर रहे हो और 35,000 तक का पेमेंट करते हो तो अलाउड है, ठीक है, 10,000 से ज्यादा क्या कर सकते हो कैश में, 35,000 तक आप आराम से पेमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप उसका अलाउ आपको कर देगा, मतलब आप पीएल में डिडक्ट कर सकते हो, कैश पेमेंट भी डिडक्ट कर सकते हो, समझ में आ गया सर? तो नॉर्मल 10,000 तक का लिमिट है, 10,000 से ज्यादा होगा तो डिसअलाउड हो जाएगा कैश का, और अगर आप 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर सकते हो, बट किसको कर सकते हो, अगर कोई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है जो प्लाइंग हायरिंग लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज को लेकर चलता है, उनको पेमेंट करते हो तो 35,000 तक अप्लाई कर सकता है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, टेल मी सर। यस सर। ठीक है सर, और क्या इंपॉर्टेंट बात है इस सेक्शंस में देख लेते हैं सर। इफ द पेमेंट payments exceeds this limit, the entire expenditure would be disallowed. जितना expenditure करोगे सारा का सारा amount disallowed कर देगा, entire amount sir, point to be noted. अगर 35-36 हो जाता है, 10,000-11,000 हो जाता है, अगर आप cash में transactions करते हो और आप उसको deduct करना चाहते हो अपने PL में,
पूरा का पूरा अमाउंट डिसअलाउड कर देगा. हाउएवर डिसअलाउंस वुड नॉट बी अट्रैक्टेड इफ द केसेस एंड द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच पेमेंट इज मेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट आर कवर्ड अंडर रूल 6DD. रूल 6DD के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जिसको पेमेंट करने से कैश पेमेंट भी अलाउड करता है, जैसे कि सरकारी लेवल में कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिसको कैश पेमेंट करने से भी आपको अलाउ कर देता है, जैसे कि पेमेंट टू RBI, SBI, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट विच अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स हैज टू बी मेड इन लीगल टेंडर. ठीक है, लीगल टेंडर मतलब जो पैसा मार्केट में अभी चल रहा है. ठीक है, जैसे पुराना 500 या 1000 का नोट अभी लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है, तो उसको नहीं लेगा सर. ठीक है, जो लीगल टेंडर है मतलब करेंट जो करेंसी इंडिया में लीगल है. पेमेंट फॉर परचेस ऑफ, अच्छा और एक बात, पेमेंट फॉर परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. ठीक है, पेमेंट फॉर परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो पेमेंट जो लोग करते हैं, इनके पास ये ऑनलाइन सुविधाएं वगैरह अभी है नहीं, बिकॉज हमारे देश में किसान अभी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए. ठीक है, बहुत मुश्किल है सर. जब भी मैं किसान का ये पॉइंट में बात करता हूँ, मेरे को ऐसा फील होता है कब ये किसान को आधुनिक सुविधाएं मिलेगा, मजा आ जाएगा सर. पेमेंट फॉर परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर और एपिकल्चर टू द कल्टिवेटर, ग्रोअर और प्रोड्यूसर ऑफ सच प्रोड्यूस और प्रोडक्ट्स. ये लोग अगर कैश में ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है, तो इनके लिए अलाउड है सर. ठीक है, जो रूल 6DD के अंदर आता है. क्लियर है सर बात? आप चाहो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को नोट के अंदर थोड़ा और डिटेल्स में भी पढ़ सकते हो, बट ठीक है, आपको नॉलेज के लिए ये काफी है. ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल्स में 6DD को बोला गया है, आप चाहो तो थोड़ा और डिटेल्स में भी पढ़ सकते हो. ठीक है, देखो सर, समझ में आ रहे, बोलिएगा सर. हाँ सर. तो किसके लिए अलाउड है, किसके लिए डिसअलाउड है, एकदम क्लियर कट हमें समझाते हैं सर. अच्छा, समझ गए. अच्छा, और एक क्या है, 40A सबसेक्शन 3 है. ठीक है, तो बेसिकली 40A सबसेक्शन 3 है और कुछ नहीं, 40A सबसेक्शन 3 है उनके लिए है. जैसे where an expenditure has been allowed as deductions on accrual basis. ठीक है, accrual basis मतलब किसी previous year का payment इस बार हो रहा है. accrual मतलब क्या, due basis in any previous year. And payment is made in a subsequent previous year. Last year का payment इस बार कर रहे हैं. Otherwise then account pay check. ठीक है, payment जो है last year का है, इस बार का payment कर रहा है. मतलब वही same to same account, मतलब किसी online mode छोड़ के cash में कर रहा है. Through other prescribed electronic modes जो भी है. और एग्रीगेट पेमेंट मेड टू ए पर्सन इन ए डे सिंगल एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस इज इन एक्सेस ऑफ द लिमिट्स ऑफ 10,000 और 35,000 स्पेसिफाइड है. मतलब सेम बात है सर, अगर पुराना पेमेंट भी है वो भी अगर आप बिना कैश का कर रहे, मतलब कैश में कर रहे हो, उसका भी सेम टू सेम 10,000 35,000 ट्रांसपोर्टर के केस में, तो भी आपका वो भी डिसअलाउड कर देगा. ठीक है, इसीलिए बोला. देखो, अगर पुराना पेमेंट की भी, और एक चीज भी बोला, पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट सो मेड शैल बी डीम्ड एज प्रॉफिट. अगर 10,000 से ज्यादा कर दोगे हो या 35,000 से ज्यादा पेमेंट किसी को कर रहे हो, वो भी कैश में, तो उसको प्रॉफिट मान लेगा सर. डीम्ड एज प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन द बिजनेस और प्रोफेशन एंड चार्ज टू टैक्स एज इनकम ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर. मतलब 21-22 का कुछ पेमेंट बाकी था, वो 22-23 में कर रहे हो, वो भी कैश के, मतलब कैश में पेमेंट कर रहे हो 10,000 से ज्यादा या 35,000 से ज्यादा, उसको प्रॉफिट मान लिया जाएगा. किस साल का, जिस साल में पेमेंट हो रहा है, सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में, मतलब 22-23 का डिम्ड प्रॉफिट मान लिया जाएगा और उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा. ठीक है, और क्या बताते हैं, हाउएवर द डिमिंग प्रोविजन विल नॉट अप्लाई इन द केसेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ रूल 6DD. ये रूल 6DD में ये रूल अप्लाई नहीं होता. मतलब आप लोग समझ गए सर, वो बैंक वगैरह, RBI को पेमेंट करना, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का पेमेंट वगैरह जो है, इसके केस में, ये 6DD के केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता. पुराना पेमेंट भी कर सकता है, कैश में प्रॉब्लम नहीं है. 40A सबसेक्शन 7. ठीक है, ये 40A सबसेक्शन 7 बेसिकली प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी टू एम्प्लॉइज के केस में है. मतलब जो एम्प्लॉयर है, बिजनेसमैन है, जो अपने एम्प्लॉइज को ग्रेच्युटी पेमेंट करते हैं, जो आप लोग सैलरी के अंदर भी ग्रेच्युटी का अलग से पढ़ते हो, वो एम्प्लॉय की तरफ से पढ़ते हो, बट ये एम्प्लॉयर की तरफ से है. प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी टू एम्प्लॉइज, हाउएवर डिसअलाउंस वुड नॉट बी अट्रैक्टेड इफ द प्रोविजन इज मेड फॉर कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड और फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी दैट हैज बिकम पेएबल ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, ये 40A सबसेक्शन 7, मतलब डिसअलाउंस वुड नॉट बी अट्रैक्टेड, मतलब डिसअलाउड नहीं करेगा. अगर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में कर रहे हैं तो आपको अलाउ कर देगा. ठीक है, लेकिन अगर अप्रूव्ड नहीं है ग्रेच्युटी फंड, जो लोग
टैक्स सैलरी चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनको पता है वहां पर ग्रेच्युटी फंड जो है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, मतलब एज पर ग्रेच्युटी एक्ट होना चाहिए। अगर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है तो फिर अलाउ कर देगा, लेकिन अगर अप्रूव्ड नहीं है तो इन दैट केस वो आपको अलाउ नहीं करेगा, डिसअलाउड कर देगा। मतलब किसके हो, एम्प्लॉयर के हाथ में, कि भाई ये ग्रेच्युटी का जो खर्चा आपने दिया या अप्रूव्ड ग्रेच्युटी में नहीं है एज पर गवर्नमेंट, तो ये खर्चा को हमें डिसअलाउ करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से सेक्शन 40 का एरिया कंप्लीट होता है, और सेक्शन 40 जैसे ही कंप्लीट होता है फिर चालू होता है सेक्शन 41, प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स। तो आप लोग एक काम कीजिएगा सर, घर पे जितना मैं आज पढ़ाया आपको, ठीक है, आप लोग घर में इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए, ठीक है। कल के क्लास में मैं आपको ये 41 एंड 41 के बाद सर 43CA, वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कैलकुलेशन है, मजा आ जाएगा, ठीक है। जो लोग स्टैम्प एक्ट का भी अलग से पढ़ रहे हो, स्पेशली इन CS, ठीक है, उनको भी कनेक्शन हो जाएगा कि स्टैम्प का क्या खेल है। लेकिन यहाँ इनकम टैक्स में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो मैं कल के क्लास में आपको बताऊंगा। 43CA एंड 44AB, ठीक है, ये दोनों डिस्कशन जबरदस्त डिस्कशन है, और उसके बाद 44AD ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में आ गए सर, ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में आ गए। बहुत जल्दी हम लोग बीपी कंप्लीट करके बीपी का जो कंप्लीट सम्स है उसको घर पे प्रैक्टिस के लिए चालू हो जाएंगे, ठीक है सर। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो करो, आज क्लास तो इतना ही है। समझ में आया तो भी बोलो, ना आया तो भी बोलो, तो फिर कल फिर से बता दूंगा। अभिषेक, दित्सा, दित्सा पुरानो क्लास गुल एक चेक करे नहीं भी है। ओके सर, ठीक है सर। संपद सर, अभी इनकम टैक्स GST का क्वेश्चन आंसर गुलो कब पढ़ा दें?